नमस्कार प्रिय साथियों, आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। आज बात करेंगे शरद पूर्णिमा के दिन लगने वाले चंद्र ग्रहण के बारे में। मित्रों, शरद पूर्णिमा अपने आप में एक बहुत बड़ा और खास महत्व रखता है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाले पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है, जो कि शनिवार के दिन यानी कि आश्विन मास के शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा के दिन यह जो चंद्र ग्रहण लगने वाला है, इस ग्रहण के दिन किस प्रकार का प्रभाव रहेगा, यानी कि 28 अक्टूबर 2023 को जो ग्रहण लग रहा है उसका प्रभाव आपकी राशि पर कैसा होगा। शरद पूर्णिमा के दिन आप सभी को पता है कि भगवान श्री कृष्ण ने गर्भारास किया था गोपियों के साथ, इसलिए इसका खास महत्व बढ़ जाता है। साथ में इस पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन अगर रात्रि के समय चंद्रमा का पूर्ण बिंबानुकार होते हैं और इस दिन खीर बनाकर और चंद्रमा के रोशनी में रखने से अद्भुत फल प्राप्त होता है। लेकिन मित्रों, विशेष बात यह है कि इस वर्ष यह कार्य ना करें तो ज्यादा बेहतर होगा। उसका कारण है कि इस वर्ष चंद्र ग्रहण लगने वाला है और चंद्र ग्रहण में ऐसे कार्य को ना करें तो अच्छा है। चंद्र ग्रहण में भक्ति, जप तप, अनुष्ठान इत्यादि, यानी कि भगवान की भक्ति करना, किसी भी मंत्र का जप करना, मंत्र को सिद्ध करना, ऐसे कार्य अत्यंत शुभ फल देने वाले होते हैं। मित्रों, यह जो ग्रहण है, यह खंड ग्रास चंद्र ग्रहण है, यह आपकी राशि पर किस प्रकार का प्रभाव डालेगा, साथ ही यह कब प्रारंभ होगा, इसका मध्य काल कब होगा और समापन यानी कि मोक्ष कब होगा, इसको जानना अत्यंत आवश्यक है। इसमें सावधानियां किस किस प्रकार की रखनी चाहिए, विशेष करके गर्भवती स्त्रियों को बहुत ही सावधान रहना चाहिए। इस समय किसी भी प्रकार के सब्जी इत्यादि नहीं काटना चाहिए, कोई भी एक्टिविटी नहीं करनी है, सिर्फ भगवान का नाम ले और पेट के ऊपर गेरू लगाना चाहिए, जिससे कि किसी प्रकार का अनिष्ट ना हो और आपका जो बच्चा आने वाले जो गर्भ में है वह उसकी उत्पत्ति सही तरीके से हो, किसी प्रकार का कोई दोष ना लगे, किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए। इसलिए भगवान की भक्ति ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र या जिस किसी भी देवता को आप मानते हैं उनके मंत्र का जप करना आपके लिए अत्यंत लाभदायक सिद्ध होगा। मित्रों, चंद्र ग्रहण की एक खास बात यह है कि चंद्र ग्रहण में सूतक जो है वह 9 घंटे पूर्व ही लग जाता है, तो रात्रि के 1:05 पर यह ग्रहण लगने वाला है चंद्र ग्रहण, जो कि पूरे भारत वर्ष में दिखाई देगा। इससे पूर्व 9 घंटे यानी कि शाम को 4 बजे से सूतक लग जाएगा। सूतक काल में जो व्यक्ति स्वस्थ है उनको भोजन नहीं करना चाहिए, पानी इत्यादि नहीं पीना चाहिए, लेकिन वृद्ध और बच्चे और उसके साथ साथ में बीमार व्यक्तियों के लिए यह मान्य नहीं है। अब यहाँ पे आपको समझना होगा कि चंद्र ग्रहण जो है वह कितने बजे लगेगा, प्रारंभ कब होगा, मध्यकाल और साथ में मोक्ष का जो समय होगा, मैं उसकी जानकारी आपको प्रदान कर देता हूँ। स्पर्श यानी प्रारंभ का जो समय होगा रात्रि को 1:05 पर होगा और मध्य काल का जो समय होगा वह होगा रात्रि के 1:44 और मोक्ष का जो समय होगा वह होगा रात्रि के 2:24 पर, इसका मोक्ष होगा। ग्रहण काल समाप्त होने के बाद आपको स्नान इत्यादि करके तीर्थों यानी कि पवित्र नदियों के आसपास अगर आप रहते हैं तीर्थ स्थल के आसपास, तो तीर्थ स्थल पर स्नान इत्यादि करें और यहाँ पे ये ग्रहण के पश्चात जो दान इत्यादि होता है या किसी गरीब को दें तो निश्चित तौर पर बहुत ही लाभदायक सिद्ध होता है आपके लिए। अब बात करते हैं राशियों पर किस प्रकार का प्रभाव रहने वाला है, यानी कि आपकी राशि पर किस प्रकार का प्रभाव रहेगा, इसको जानना अत्यंत आवश्यक है। मेष राशि वालों के लिए बात करें तो यह नुकसानदायक रहेगा। वृषभ राशि वालों के लिए यह किसी न किसी प्रकार के अनिश्चित तरीके का समाचार या फिर अनायास किसी प्रकार के लाभ का योग भी बता रहा है। वृषभ के बाद मिथुन राशि वालों के लिए बहुत ही लाभदायक रहने वाला है। ग्रहण काल के बाद आपके समय में बदलाव होगा, निश्चित तौर पर आपको पूर्ण लाभ का योग दिख रहा है। कर्क राशि वालों के लिए सुख शांति और समृद्धि लेकर यह ग्रहण आ रहा है। सिंह राशि वालों के लिए मान हानि यानी कि आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचा सकता है, इसलिए इस समय क्या करना चाहिए, भगवान का नाम जप इत्यादि करें। ग्रहण काल में सोना वर्जित है, इस बात का विशेष ख्याल रखना। कन्या राशि के लिए कष्ट कारक योग यहाँ पे बन रहा है ग्रहण काल के पश्चात, इसलिए आप भी भगवान के शरण में रहें। भगवान गणेश सभी विघ्न बाधाओं के नाशक हैं, उनके मंत्रों का जप करें, निश्चित तौर पर आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए। तुला राशि वालों की जितनी भी स्त्रियां हैं उनके लिए थोड़ा सा पीड़ादायक सिद्ध हो सकता है, पुरुषों के लिए भी लगभग वैसा ही रहेगा, इसलिए आप सब भगवान शिव के शरण में रहें। ग्रहण काल में
निंद का परित्याग करें, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें, अत्यंत लाभदायक रहेगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ समाचार के साथ कुछ बेहतर जीवन में कुछ बड़ा होगा और कुछ खास होगा, इस बात का विशेष ख्याल रखें। लक्ष्मी के मंत्र का जप करना आपके लिए अत्यंत लाभदायक सिद्ध होगा। धनु राशि वालों के लिए चिंताएं बढ़ सकती है, तो चिंता को हटाइए और चिंतन करना प्रारंभ करिए। भगवान विष्णु के शरण में जाइए, ओम विष्णवे नमः या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करना अत्यंत लाभदायक सिद्ध होगा। साथ ही मकर राशि वालों के लिए कोई दुखद समाचार प्राप्त हो सकता है, इसलिए इस बाधा को दूर करने के लिए आप भगवान गणपति के शरण में जाएं, गणेश मंत्र का जप करें, जिससे शुभ समाचार की प्राप्ति हो। कुंभ राशि की बात करते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए श्री यानी कि लक्ष्मी प्राप्ति के लिए सुंदर योग बन रहा है, तो लक्ष्मी प्राप्ति चाहिए तो माँ लक्ष्मी के शरण में जाइए और जबरदस्त लाभ प्राप्त करिए। ओम श्रीम श्रीयाई नमः मंत्र का जप करिए, ग्रहण काल में अत्यंत लाभदायक सिद्ध होगा। मीन राशि वालों की बात करें तो मीन राशि वालों के लिए कुछ हानि का योग बन रहा है, लेकिन इस हानि को टाले और शुभ समाचार आपके जीवन में आपको प्राप्त हो तो आपको हनुमान जी के शरण में जाना चाहिए। ओम हं हनुमते नमः मंत्र का जप करना आपके लिए अत्यंत शुभ फल देने वाला रहेगा। मित्रों, तो ग्रहण काल में किया हुआ मंत्र जप इत्यादि अत्यंत लाभदायक होता है। ग्रहण काल में विशेष करके ध्यान रखें कि ग्रहण काल में निंद का परित्याग करें, भगवान के शरण में रहें। जो प्रतिष्ठित मंदिर हैं देवताओं के बड़े बड़े, उनको ग्रहण काल से पूर्व यानी 9 घंटे पहले ही बंद कर दिया जाता है, मंदिरों को बंद करें। लेकिन किसी भी मंत्र का जप करना अनंत गुना यानी कि अधिक से अधिक लाभ प्रदान करने वाला होगा। मित्रों, मुझे आशा है कि मेरा यह कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया होगा। मित्रों, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।